हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 चैप्टर नंबर 5, जिसमें फर्स्ट हमने कैल्कुलेशन मेथड हमने देखी थी, वैसे ही यहाँ हमें क्या करना है, बाउली की मेथड देखनी है। बराबर, उसमें बहुत सिंपल है स्कीवनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस फाइंड करने के लिए। बराबर, जो फॉर्मूला आगे बताए थे सेम वैसे ही करना है, पर इसमें याद रखना है कि यहाँ आगे जो हमने मीन, मीडियम, मोड वो सब फाइंड करना था। बराबर, पर इसमें ये फाइंड करना है सिर्फ Q1, Q2 और Q3, यानी Q2 यानी M फाइंड करना है और Q3 फाइंड करना है। बराबर, उसके हिसाब से फॉर्मूला में ये रखना है। वो भी हमने Q1, Q2 और Q3 जो फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करना है, वो आगे हमने ऑलरेडी देख लिया है। बराबर, तो वैसे यहाँ देखो, इलस्ट्रेशन 12, द डेटा अबाउट द रेनफॉल इन सेंटीमीटर में दिया हुआ है एट द प्लेस इन द इन अ मंथ ड्यूरिंग द मॉनसून आर ऑप्टेन्ड अज फॉलोज। फाइंड द स्कीवनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द स्कीवनेस यूजिंग बाउलीज मेथड। बराबर, बाउली की मेथड में हमें देखना है रेनफॉल एंड नंबर्स ऑफ डेज दिए हुए हैं। रेनफॉल 6, 17, 13, 5, 15 और 20 दिया। अब यहाँ ये Q1, Q2, Q3 आगे भी हम जो फाइंड करते थे उसमें क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा। बराबर, यानी सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, 5, तो उसके सामने वाली भी वो लिखनी पड़ेगी। बराबर, उसके बाद कौन सी है, 6, तो उसके सामने वाली 10 है तो वो भी लिखना है। 7, उसके सामने 5 है। बराबर, उसके बाद 13, तो उसके सामने 3 है। 15 और 20, बराबर वही लिखना है। पहले उसमें सिर्फ एक ही चीज फाइंड करनी है कॉलम में, CFI, यानी CF फाइंड करनी। ये 8 वैसे लिख दो, 8 में 10 प्लस करो तो क्या आएगा, 18। बराबर, 18 में 5 प्लस करो तो क्या आएगा, 23। 23 में 3 प्लस करो, 26। 26 में 3 प्लस करो, 29। 29 में 2 प्लस करो, यानी 31 आएगा। ओके, यानी टोटल n इज इक्वल टू हमारा कितना हुआ, 31। और Q1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द n प्लस 1 डिवाइड बाई 4th द ऑब्जर्वेशंस। यहां क्लास नहीं दिए, यानी n प्लस 1 वाला आएगा फॉर्मूला। बराबर, 31 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, यानी 32 डिवाइड बाई 4, यानी 8 ऑब्जर्वेशंस। बराबर, यानी 8 ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा, यहाँ 8 यहाँ है तो उसके सामने वाले एग्जैक्ट अमाउंट वो हमारा क्या होगा, Q1 होगा। बराबर, एग्जैक्ट दिया। अब 9 होता, बराबर मान लो कि 9 होता तो इसके नीचे वाला लिखते, Q1 इज इक्वल टू क्या आता, 6 आता, पर यहाँ क्या है, 8 है, इसलिए Q1 इज इक्वल टू 5 आएगा। M वैल्यू ऑफ द n प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशंस। बराबर, यानी 31 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, यानी 32 डिवाइड बाय 2, यानी 16 ऑब्जर्वेशंस। 16 ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, ये 8 और 18 के बीच में आएगा। बराबर, यानी उसके बड़ी अमाउंट है, CF है, तो उसके सामने वाला XI वो हमारा क्या होगा, ये 6 नंबर M हमारा हो जाएगा। बराबर, Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द 3n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, यानी 31 प्लस 1 डिवाइड बाय 4, डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3 करो, यानी 24। बराबर, 24 वाला ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा, ये दोनों के बीच में आएगा, तो उसके ऊपर वाली अमाउंट यानी 13x, जो 13 है वो हमारा Q3 आएगा। ये तीनों मिल जाए उसके बाद बहुत सिंपल है। बराबर, के स्कीवनेस SK इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 इज इक्वल टू 13, Q1 इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू 6। 6 टू जा 12, 13 प्लस 5 18, माइनस करो यानी क्या होगा, 6। बराबर, सेम वैसे यहाँ J इज इक्वल टू ये Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। ये पूरी अमाउंट जो फिर से ना कैलकुलेट करनी है तो यहाँ डायरेक्ट 6 लिख सकते हो। ओके, देन 13 माइनस Q1 इज इक्वल टू 5, माइनस करो 8, 6 डिवाइड बाय 8 यानी 0.75। बराबर, तो ऐसे हम कोएफिशिएंट ऑफ क्विनेस फाइंड कर सकते हैं। बराबर, जिसमें 13 नंबर का सम जिसमें क्लास दी हुई है। बराबर, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ देखो क्लास दी हुई, क्लास लेंथ सेम है। बराबर, पर यहाँ ये डिफरेंट है, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल चीज है। पहले तो हमें दो कॉलम तो ऑलरेडी दे दिए, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो CFE फाइंड करना है, यहाँ 10 वैसे ही लिख दो, 10 प्लस 13 यानी क्या आएगा, 23। 23 प्लस 17
यानी 40, 40 प्लस 42 यानी 82, 82 प्लस 18 यानी क्या होगा 100। यहाँ ऐसे करके प्लस करना है, एक एक प्लस करते जाओ यानी मिल जाएगा, यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा 100। अब यहाँ क्लास दिया हुआ है यानी क्या होगा Q1 n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन आएगा, प्लस 1 आएगा नहीं, यानी 100 डिवाइड बाय 4 करोगे 25 बराबर, यानी Q1 इज इक्वल टू एल प्लस एन 25 ऑब्जर्वेशन, ये इसमें देखना है। यानी Q1 का क्लास कितना होगा 400 to 599 बराबर, और इसकी बाउंड्री पॉइंट्स क्या आएगी, इसमें से 0.5 माइनस करो यानी 399.5 आएगा, इसमें 0.5 प्लस करो यानी 599.5 आएगा बराबर। तो ये ही लेना है हमें, ये एल इज इक्वल टू ये लेना है बराबर, Q1 इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन फोर्थ माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी बराबर, यानी एल इज इक्वल टू ये 399.5, एन अपॉन फोर जो हमने फाइंड किया 25, जो भी क्लास दिया है उसके ऊपर वाला ये सी एफ बोलेंगे और उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे एफ बोलेंगे बराबर, यानी 23 सी एफ आएगा और एफ इज इक्वल टू 17 आएगा। क्लास लेंथ 200 दिया हुआ है बराबर, 200 का गैप है, चलो ये माइनस करके 200 से प्लस मल्टीप्लाई कर दो यानी 400 डिवाइड बाय 17 से डिवाइड करो 23.5294 आया। पॉइंट के पीछे टू डिजिट लेने बराबर, पहले प्लस कर देते उसके बाद जो भी टू डिजिट लेने, तो यहाँ देखो उसके बाद 9 या 9 से ज़्यादा हो, 5 या 5 से ज़्यादा हो तो आगे एक बढ़ जाएगा यानी 2 है यानी 3 हो जाएगा बराबर। सेम वैसे ही m इज इक्वल टू एन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन, 100 डिवाइड बाय 2 करोगे यानी 50 किसके बीच में आते हैं, ये दोनों के बीच में आता है बराबर, यानी हमारा क्लास लेंथ कौन सी होगी, क्लास कौन सा आएगा 600 to 799। ओके देन 599.5 प्लस 50 माइनस 40 बराबर, ये जो n अपॉन टू यानी 50 है, सी एफ जो भी क्लास दिया है उसके ऊपर वाली अमाउंट सी एफ और ये f लेंगे बराबर, यानी 40 सी एफ लेंगे और f इज इक्वल टू 42 इंटू 200, माइनस करके 200 से मल्टीप्लाई करो 2000 डिवाइड बाय 42 डिवाइड करो 47.619 आएगा बराबर, और ये दोनों को प्लस कर दे 647.119, यानी पॉइंट के पीछे हमें क्या लिखना है टू डिजिट, उसके आगे 5 या 5 से ज्यादा हो तो आगे एक बढ़ जाएगा यानी 647.12 आ जाएगा। ओके देन सेम वे से Q3 फाइंड करना है, 3 ब्रैकेट में n अपॉन 4 ऑब्जर्वेशंस n 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 यानी 75 ऑब्जर्वेशंस आया, वही अमाउंट यहाँ लेंगे Q3 इज इक्वल टू एल प्लस 3 एन अपॉन 4 सी एफ अपॉन एफ इंटू सी बराबर, एल इज इक्वल टू 599.5, ये पूरी अमाउंट 75, सी एफ जो भी क्लास दिया है उसके ऊपर वाली अमाउंट बराबर, यानी क्या आएगा सी एफ इज इक्वल टू 40 बराबर, जो भी क्लास दिया है उसके ऊपर वाला सेम वही है इसलिए एफ भी वही रहेगा 42 बराबर डिवाइड बाय 42, माइनस करके 200 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड 42 करो यानी क्या होगा 166.6666 आगे बढ़ता ही जा रहा है बराबर, यानी पॉइंट के पीछे दो ही डिजिट लीन है वो तो बाद में, यहाँ प्लस करते हैं तो 766.1667 आ जाएगा बराबर, पॉइंट के पीछे हमें दो डिजिट लेने यानी 616 है उसकी जगह 17 हो जाएगा। ओके वही अमाउंट जे को एफिशिएंट ऑफ स्किवनेस में रखनी है, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1, यहाँ ये अमाउंट Q3 की अमाउंट Q1 की अमाउंट जो आगे हमने फाइंड की वो लिखनी है, माइनस 2 ब्रैकेट में m की अमाउंट लिखनी है 647.12 और डिवाइड में Q3 और Q1 की वैल्यू, ये दोनों को पहले प्लस करते हैं, नीचे माइनस करना है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है बराबर, सेम वैसे प्लस मल्टीप्लाई और ये माइनस बराबर, अब माइनस कर दो यानी माइनस 105.04 आया बराबर, डिवाइड बाय 343.14 डिवाइड करोगे 0.31 आ जाएगा बराबर, ये माइनस में आया यानी नेगेटिव स्किवनेस, प्लस में आता तो पॉजिटिव स्किवनेस बराबर, माइनस में आया यानी नेगेटिव स्किवनेस। ओके okay?